व्हाट्सअप एवरीवन, तो आ चुका हूँ फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे भाई, होने चाहिए आप लोग बढ़िया। तो बात करते हैं गेम की भाई, आज हमारे साथ खेल रहे हैं सोल कयामत, लाइक ए बॉस और हनी रितिया। हाँ तो भाई बात कुछ ऐसी है कि मज़े आने वाले हैं तुम लोग को गेम प्ले में, हर एक गेम प्ले में मैं यही कहता हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे है ना, तो क्या तुम लोग को मज़े नहीं आते? आते हैं ना, तो इस वाले में भी तुम लोग को मज़े आने वाले हैं। तो फिलहाल हम उतरे थे यासना है पनीर थोड़ा कम लाना में, और यहाँ लूट करते हैं और यहाँ से फिर निकलेंगे धीरे धीरे हौले हौले। बट गाइस जब मैं उससे पहले यहाँ आता हूँ ना, तो यहाँ शॉप में एक बंदा था, नादान परिंदा था बेचारा, कुछ लूटना चाहता था। मैंने कहा यहाँ भेज पूछा, भाई यहाँ बंदे आए, तुम लोग बता क्या रहे हो यार? तुम लोगों ने तो कहा था कोई बंदे नहीं है। तो लाइक ए बॉस और हनी दीदी तो आगे लूट रहे थे उस साइड, और हम और कयामत भैया इस साइड लूट रहे थे, ठीक है। तो ये जो बंदा था ना, मैं सोच रहा था एकदम मस्त ओपन में जब रुकेगा ना तब इसको पहलेंगे। मुझे लगा ये रोड क्रॉस करेगा और ये एक जगह रुक नहीं रहा था। मैं इस तरह इसको मारना नहीं चाहता था कि मैं इसे छोड़ दूँ। तो अब देखो जब ये यहाँ आके रुकेगा तभी इसको पहलेंगे। ये बंदा एकदम सामने स्पॉट होता है, बस इसका रुकने का वेट था, ये शॉप में खड़े होके लूट करेगा, तभी इसको दे देते हैं टोचन और इसे नॉक करते हैं। पीछे हमारे डिलीवरी बॉय आ जाते हैं तो इनको ही पेमेंट देते हैं और सीधे रोड क्रॉस करता हूँ। और यहाँ पे देखो बस के पीछे से निकलता है बंदा, इसको भी नॉक करते हैं और चलते हैं यहाँ पे, इस बंदे को निपटाएंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या सीन है। तो यहाँ पे भाई लाइक ए बॉस बंदे को निपटा देते हैं, तो अब भैया पता चलता है कि कहाँ है बंदा आखिरी, कोई सीन कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आओ देखता हूँ ना, ताओ बस M4 मंगाने की कोशिश, करे जाओ वाला सीन करता हूँ, क्योंकि M4 मुझे चाहिए थी, TP बाईजन N7 नहीं चलाना मुझे, तो M4 यहाँ मंगा लेता हूँ मैं। और कहा भैया एक बंदे को निपटाते हैं, तभी रोड से फुटस्टेप आते हैं। ये कितना चुराया, बहुत बुरा लगा, चूतिया बनाया तुमको। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने कहा भैया किल चुरा लिया था, तो यार मैं क्या करूँ, डैमेज तो बहुत भी देते हैं, असली बंदे वो होते हैं जो किल चुराते हैं। डोंट माइंड कयामत भैया, ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, दिल पे मत लीजिएगा। तो भाई हमारे यहाँ पता है क्या सीन होता है कि जिसको बॉट दिखता है वो मारते हैं, नॉर्मल लोग ये करते हैं ना। हमारे मैच में अगर हनी दीदिया खेल रही है ना, तो जिसको भी बॉट दिखे वो हनी दीदिया को दे, वरना भाई उसका अंजाम बुरा होता है। गेम में भी पता नहीं क्या क्या सीन है, मुझे खुद भी कुछ नहीं है पता, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ कहने लायक ही नहीं है भाई, सीन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई तुमको दिखे बॉट तो मारो, उसको दिखे तो वो मारे। और पता है गेम प्ले बनाता हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मुझे मेरे बंदे बॉट मारने देते हैं या फिर किल लेने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको किल मिलता है वो किल लेता है भाई, यहाँ वीडियो से किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं ना इसको बुरा कह रहा हूँ और अच्छा तो ये है ही, ठीक है। जो भी गेम प्ले अच्छा जाता है तो उसको मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे, और ऐसा ही सीन होता है। और मेरा बस इतना सा कहना है कि यार गेम की जो लड़ाई होती है ना, नोक झोंक होती है छोटी मोटी, हाँ समझ रहे होगे, जिसको भी कह रहा हूँ समझ रहे होगे आप लोग, समझ रहे हो ना। तो यार ये सब सीन करना बंद कर दो यार, और दूसरों के ऊपर डिपेंड करना ही बंद कर दो यार, और किसी को ऐसे वर्ड तो बिल्कुल ही मत बोलो जो कि बाद में तुम लोग पछताओ कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत बात है। भले ही सामने वाला तुमसे कुछ कहे या ना कहे, भाई तुम गलत हो तो गलत हो, खुद से तुम्हें लगना चाहिए, सामने वाला कहे तब नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं गेम में आगे की तरफ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि मेरा नेट चला जाता और दिखाई ऐसे देने लगता है, ठीक है। तो यार नेट तो थोड़ी देर बाद आता तो बंदे भी काफ़ी कम बचते हैं ना, तो निराश मत होना यार, तुम लोग को मैं बूम बाम वाला ही दिखाऊंगा गेम प्ले। बस आगे देखो, इसको कट करता हूँ। सामने कूदा है, ड्रॉप पे बंद, अरे अपने पीछे बंदे आ गए, अपने पीछे ये देखो पैराशूट से उतर रहे हैं। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है कि पीछे ही बंदे उतर जाते हैं पैराशूट से, तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी लेके डायरेक्ट अब चलना पड़ेगा ब्लू में वो जो क्या नाम है यार उन घरों का पता नहीं, वो लकड़ी के जो घर है ना उन पे रस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको निपटाएंगे पहले, फिर इसके बाद दूसरे बंदों को देखेंगे।
तो अब देखो ये लोग तीन लोग यहाँ पे थे, मैं ऐसे गाड़ी लेके इधर आता हूँ, तुम लोग सीन देखना बस कि क्या होता है। मैं गाड़ी यहाँ ठोकता हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट में मतलब बंदे स्पॉट हुए थे, तो मैं यहाँ आता हूँ देखना। के पास बंदे बाहर साइड, स्मोक के साइड का पता नहीं, बट हाँ यहाँ पे सामने बंदा था, ठीक है। तो यहाँ मेरे बंदे कैसे नहीं पटने लगे मुझे कुछ पता नहीं। मैं सामने देख के आता हूँ एक फ्री फायर, और यहाँ पे लेट जाता हूँ। और देखो इसको मैं मना करता हूँ कि मत जाओ वहाँ, और ये चली जाती है। देखो मना करने के बावजूद ये चली जाती है। तो यहाँ इसे नॉक करता हूँ और ये फिनिश हो जाते हैं। ये दो ही लोग थे, और मैं यहाँ आता हूँ, अब रिवाइव दूंगा। और मैं यहाँ पे कहता हूँ हनी से कि भाई तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था, मैंने तुझे मना किया था कि सामने बंदे हैं तो क्यों आगे बढ़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो देख रहे होगा सामने मार हुई जा रही, सामने गोली दगी जा रही, बमन वमन फेंके जा रहे, बट इसको कहना है कि मार्क लगाओ, मेरे मुंह के सामने मैं मार्क लगाऊं। वाह भाई वाह, ईयरफोन का तो कोई काम ही नहीं है। और अब सुनो तुम लोग, तो मेरे ही को पूछ, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, आना चाहिए ना अपनी आईडी लगा के तुम लोग अलग से इसको बनवाओ मैं दिखे क्या अरे इसलिए अभी जो भी हो रहा वो बैंडल क्लियर का नाम क्या था तू मेरे को मारा या बात मुझे लेता है बात कर मेरे को जानता नहीं है। तो बहुत हो चुका मस्ती मजाक, बहुत ही अच्छा लगा यार। चलो ठीक है, अब एक बंदे को तो हम खो ही चुके हैं। पीछे से हमारे ऊपर फायर आ रहा था, इसीलिए मैंने स्मोक किया था ताकि हमारे लाइक के बॉस को भी रिवाइव मिल जाए। और पीछे तरफ बंदे हैं तो उनको भी देखना है कि भाई ये बंदे कर क्या रहे हैं और कहाँ से आ गए। तो यहाँ पे लाइक के बॉस कहते हैं कि जहाँ पहले हम थे, जहाँ गाड़ी रुकी थी ऊँचाई पर, जहाँ हम रुके थे वहाँ पर बंदे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखता। तो अब दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड देखेंगे। तो यहाँ बहुत देर तक देखने के बाद, मतलब थोड़ी देर देखने के बाद, मैं इस साइड पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ से फायर की साउंड आ रही थी। और देखो यहाँ बंदे भी हैं, तो लगाते हैं 3x और देते हैं थोड़ा बहुत इन्हें डैमेज। यहाँ पे यार मेरे समझ से ये चीज़ पर थी कि यार इतना डैमेज देने के बाद ही बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ। और चचू यहाँ पे नॉक बंदों का किल चुराए पड़े थे, मैंने कहा भाई ये सीन क्या हो रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बंदों को बहुत डैमेज दिया बट कोई नॉक नहीं हुआ। तो यहाँ से गाड़ी लेके निकलना ही पड़ेगा क्योंकि भाई किल चाहिए मुझे। तो वहाँ से सीधे हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ये जोन वाली जगह थी और जोन वाला घर था। तो ये जो सामने तुम लोग को बंदा दिख रहा है ना, इसके पास AWM थी, मतलब इस वाले बंदे के पास। तो यार इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, देखना। और ये देखो एक हेड चिपकाता हूँ इसको, और ये स्नाइपर के शॉट लिए पड़ा था और उतार ही देता है हेलमेट अपना। तो यार अब रिवाइव भी लेना पड़ेगा, और हेलमेट पड़ा था यहाँ पे एक लेवल का, तो वो उठाते हैं और फिर इसके बाद इन बंदों को देखते हैं। क्योंकि अब मैं पीक नहीं लेने वाला, मेरे पास कोई स्नाइपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हनी को लगता है कि वो सिर्फ दो ही बंदे, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरे चार के चार हैं, और हम तीन बंदे हैं, सिर्फ तीन बंदे। और टोटल लाइफ कितने हैं? 8। यानी एक बंदा सिंगल कहीं इधर उधर फिर रहा होगा, रिंगा रिंगा रोजेस कर रहा होगा। तो आप देखना अपने ऊपर से जोन हटेगा या यहीं रहेगा। तो जोन अपने ऊपर से हट जाता है, हम सभी यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और देखना AWM वाले ने आखिरी बंदे को निपटा दिया हुआ है। तो AWM वाली पूरी स्क्वाड और हम तीन लोग बचते हैं, और 4v3 का ये फाइट है। और यहाँ पे बस हम लोग को किसी भी तरीके से चिकन निकालना है, क्योंकि चिकन निकालूंगा तो थोड़ा बहुत सही रहेगा, क्योंकि किल तो कम ही है।
तो मैं धीरे धीरे करके यहाँ आ जाता हूँ और मेरे पास मस्त कवर है। और तुम लोग देखना मैं यहाँ से ट्रिक क्या करूँगा, तुम लोग भी आखिरी सर्कल में ऐसी ट्रिक कर सकते हो, है ना। अगर तुम्हारे पास बग्गी है, कोई व्हीकल है या फिर एयर ड्रॉप ही क्यों ना हो, तो मैं हाथ में स्मोक लेता हूँ और स्मोक को कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चढ़ जाता हूँ, यहाँ से बंदे इजी स्पॉट होते हैं, बट दिख तो कोई नहीं रहा था मुझे यहाँ पे, तो खतरनाक ही सीन था मेरे साथ। तो यहाँ पे वेट ही करता हूँ मैं, और तभी यहाँ पे बंदा स्पॉट होता है, बट क्या करें, इसको खोल के मारेंगे तो सामने स्मोक रहता है। तो रैंडम फायर लिया था मैंने, मतलब कि उस साइड पे स्कोप करके मारा था, बट नहीं लगा उसको। Awesome. तो वहां से मैं यहाँ आ जाता हूँ एक अच्छी पोजीशन के लिए, और बस अब तुम लोग देखते जाओ, मैं एकदम म्यूट रहूंगा। वो दो बंदे नॉक हैं, एक बचा है। वॉच आउट, पेड़ वाले दोनों नॉक हैं। कछु आइए दौड़ के, स्मोक आ गया है। रिवाइव में रहना होना चाहिए। मेरे पास फर्स्ट एड वगैरह नहीं है, और मेरे पास थर्टी पड़ी है। आपको वो बंदा आया, वो राइट लेफ्ट में बंदा है तुम्हारे, वो आपके उसके बगल में आया। तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते, टीम खत्म करो। मारा नहीं जिसको नॉक किए थे आप, मारा नहीं जिसको नॉक किए थे आप, नहीं मिले आज तक चुके। रिवाइव हो गए, रिवाइव हो गए। ये था मेरे पास, ओ भाई साहब, गजब का गेम। वी आर नंबर 1 तो यहाँ पे जैसे कहना भैया का दिल खुश हुआ है, वैसे आई होप तुम लोग का भी दिल खुश हो गया होगा। तो यार अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। बट यार जो मैंने कहा उस बारे में सोचना थोड़ा।